हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एरेबेस क्लासेस। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट ए कवर करा था, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी कवरिंग पार्ट टू। तो पहला जो पार्ट था उसमें था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और इस पार्ट में हम लोग बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नाउ व्हाट इज बिजनेस? सो बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन, बिजनेस जो एक वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड बिजी। अब बिजी कैसे? तो बिजनेस मींस बीइंग बिजी, बिजनेस मींस बीइंग बिजी। अब बिजी का मतलब ये नहीं कि आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप बिजी हो। बिजी मींस आप एक रेगुलर वर्क में काम कर रहे हो, रेगुलरली किसी चीज में आप एंगेज्ड हो फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो इधर बिजनेस की डेफिनेशन है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी which are connected with the production, purpose, sale or distribution of goods and services. अब इधर एक चीज दिमाग में रखनी है कि सेल और परचेज किसका होता है? गुड्स का होता है, सर्विसेज का नहीं। सर्विसेज जो होती है हमारी वो या तो रेंडर की जाती है या तो वो प्रोवाइड की जाती है। तो इधर बिजनेस जो है उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं। क्यों बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। इधर जो है बिजनेस को प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह के रेफर किया गया है कि अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज को बेच रहे हैं, सो दैट इज बिजनेस। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये जो बिजनेस है इसको दो चीज में जो है बांट दिया गया है, नॉट बिजनेस बट द ह्यूमन एक्टिविटीज, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट इज दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज दिस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, विल सी। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक पर्पज से की जाती है, और वो पर्पज क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी फॉर द लिवलीहुड। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो हमने देख लिया है कि मनी के मनी जो है उसके लिए लोग जो है ये एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। यही इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती है टू अर्न मनी और टू अर्न प्रॉफिट, बट दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये की जाती है फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, और ये सब की जाती है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपथी, इन सब के लिए जो है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। अब कई बार जो है आपके एग्जाम्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया तो व्हाट यू विल राइट? पहला है मोटिव, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, यही हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा, एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, या तो ये पैसे कमाने के लिए है या ये किसके लिए है? फॉर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है दे आर अंडरटेकन विद द सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव, ये जो है वही हमने ऊपर देखा आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपथी एंड फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। नाउ अब जब आप ये काम कर रहे हैं तो कुछ आप उससे एक आउटकम जो है वो एक एक्सपेक्ट करते हो, कौन सा आउटकम इनसे मिलता है? पहला इज मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आपको क्या मिलेगा? मनी मिलेगा, एंड फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मनी जो है नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है इन एक्टिविटीज से, क्योंकि ये किस लिए की जाती है? आउट ऑफ लव और फॉर द साइकोलॉजिकल मोटिव। नेक्स्ट इज पर्पस। अब ये जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस है इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ, सेम पैसे कमाना, यही तो आजकल सब लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता पैसे ना कमाए, है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही क्रिएशन ऑफ वेल्थ जो होता है इसका पर्पस होता है, और इधर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है पर्पस? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इजी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो यहाँ पे तीन एग्जांपल लिए हैं वो है हमारे बिजनेस, पहला बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीन जो है एग्जांपल है किसके? इकोनॉमिक एक्टिविटी के। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है? फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज, जो आप अपनी फैमिली में कुछ चीजें कर रहे हो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या रिलीजियस या सोशल सर्विस अगर आप किसी को दे रहे हो तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स ये जो है आपके चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो हम इसको इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके व्हाइट से मार्क करते हैं, ब्लैक से दिखेगा नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब
इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इधर हम देखते हैं कि मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. अब बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए एक मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बना है, जैसे कि बिजनेस. अब बिजनेस जो है उसके लिए आपको कोई सी चीज रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब चाहो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड. यहाँ पे इफ नीडेड लगा दिया क्योंकि कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है. नाउ प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. अब प्रोफेशन से क्या लगता है, कुछ प्रोफेशनल कोर्स, कुछ प्रोफेशनल काम. वो प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. अब फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स की फील्ड में हो तो काफी बच्चे हैं जो सीए बनना चाहते हैं, तो सीए बनने के लिए आपको कौन से प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप की जरूरत है, दैट इज आईसीएआर. ये हमारी जो है एक प्रोफेशनल बॉडी है इंडिया में फॉर द सीए, सीए जो बनना चाहते हैं उनके लिए. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट कब होगी, स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर. जब आपको सामने से जो है अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क. अब प्रोविजन ऑफ गुड सर्विस टू द पब्लिक. अब बिजनेस का क्या काम होता है, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज को रेंडर करना, ये सब किसका काम होता है, बिजनेस का. प्रोफेशन का क्या काम होता है, पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट नेचर. अब यहाँ पे जो है हमारे तीन प्रोफेशनल बॉडीज हैं, विच इज लॉयर, डॉक्टर एंड सीए. अब ये जो प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं ये अपने अपने ही बैकग्राउंड से जो ये अपना स्किल लेकर आए हैं उनसे ही क्या करते हैं, आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज द वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई. अब ये जो है आपका, यहाँ पर आप जो है अपना खुद का बिजनेस नहीं चला रहे हैं, यहाँ पे आप खुद की स्किल से कोई अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, किसी हेड के नीचे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के नीचे आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन. अब बिजनेस में जो है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी. बिजनेस में जो है आपकी क्वालिफिकेशन नेसेसरी बिल्कुल नहीं है. अगर आप अभी ट्वेल्थ में है तो आप ट्वेल्थ के बाद भी विद द कैपिटल, विद द सफिशिएंट कैपिटल आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोफेशन. प्रोफेशन में जो है क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो है रिक्वायर्ड होती है, ये बहुत ज्यादा ईजी है. अब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में हो तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप आगे जो अपने थ्रू योर प्रोफेशन, थ्रू द स्किल आप आगे जो है सर्विसेज दे सके. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर. अब आप किसी हेड के नीचे काम करें तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप ये काम करें, और अगर आप उस काम करने में है, आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल है कि हाँ आप वो काम कर सके, तब आप जो है उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे. नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब बिजनेस जो है उसको चलाने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है, और जब हम बिजनेस चलाते हैं उसमें जब हम कोई अमाउंट डाल रहे हैं दैट इज कैपिटल. सो हाँ, बिजनेस में जो है बहुत बहुत भी नहीं कह सकते, बट आपके स्केल पे वो जो है डिपेंड करता है कि अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं या कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है कैपिटल आपके उधर लगती है. नेक्स्ट इज प्रोफेशन. अब प्रोफेशन में जो है लिमिटेड कैपिटल लगता है, बहुत थोड़ा कैपिटल लगता है, ऐसा ज्यादा नहीं लगता एज कम्पेयर टू बिजनेस, इधर जो है कम कैपिटल लगता है. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पे जो है कोई सा भी आपको कैपिटल नहीं लगाना पड़ता, बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के नीचे एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड. अब हाँ भाई, हम सब इधर पैसों के लिए तो काम कर रहे हैं, राइट? तो अब आप जब कुछ काम कर रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? तो क्या रिवॉर्ड मिलता है, बिजनेस. अब जो बिजनेसमैन है उसमें जो वो पैसा लगा रहे हैं, इतना सारा रिस्क ले रहे हैं, तो उनको जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज प्रॉफिट्स. प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड मिलता है. प्रोफेशन. अब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं थ्रू योर स्किल्स, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, फीस. अब जो डॉक्टर लोग होते हैं, लॉयर्स, इन सबको क्या मिलती है, फीस मिलती है, नॉट प्रॉफिट, नॉट वेजेस, नॉट सैलरी. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस. सैलरी और वेजेस विच इज ऑल्सो नोन एज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन जो है मिलती है इन एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट. नाउ व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली जो है आपके रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स होते हैं. अब हियर इन बिजनेस देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट. आप जैसा चाहो वैसा आप अपना बिजनेस चला सकते हो. इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है बिल्कुल फॉलो करना होता है. एंड इन एम्प्लॉयमेंट वो टर्म एंड कंडीशन जो है आपके थ्रू हेड जो आपको मिलती है उसी के हिसाब से आपको आगे काम करना पड़ता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फिर फीचर्स, या फिर फीचर्स, ये सब क्या है, सेम है. अब पहला इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम सबको पता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक
एक्टिविटी वो हमने इसकी डेफिनेशन में जो है देख लिया है. इधर हमने देखा था डेफिनेशन में बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही चीज हम जो है यहाँ पे देखेंगे दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने भी डेफिनेशन भी पढ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर टू दोज एक्टिविटी जिधर हमें क्या है, हमारा जो मीनम है बीच का वो क्या है, मनी है. हमारा मेन मकसद जो है मनी है. तो इधर बिजनेस में भी लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. प्रॉफिट क्या है, अनदर नेम ऑफ मनी. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट इज परचेज, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोक्योरमेंट इज परचेज. अब इधर जो है, अब आप बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस में क्या होता है, या तो प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का. थर्ड पॉइंट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स. अब जो है आप यहाँ पे हमें पता है, हमने इको में पढ़ा है अपने पहले चैप्टर में कि ह्यूमन नीड्स कितनी है, बहुत अल्टरनेटिव अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड क्या है, ह्यूमन नीड्स है. तो उन्हीं ह्यूमन नीड्स को क्या करना है, सैटिस्फाई करने के लिए हम क्या चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं. अब आप कैसे भी कर सकते हो, थ्रू सेल ऑफ गुड्स, थ्रू बाय गिविंग योर सर्विसेज, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन नीड्स को सैटिस्फाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस तभी हो पाएगा जब आप उसे क्या करें, रेगुलर बेसिस में करें. ये नहीं कि आज मेरा मन करा तो मैंने बिजनेस शुरू करा और कल मेरा मन नहीं करा तो मैं नहीं करूंगी, दैट इज नॉट बिजनेस. या फिर आप कहें कि मैं बहुत सारा मैं पेन्स के पैकेट लेकर आई, वो मैंने बेचा और अगले दिन मेरे को वहां से पैसे मिले, ठीक है, बट अगले दिन मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, सो दैट इज नॉट बिजनेस. वो आपका अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो आपका अलग से कुछ पैसे आ सकते हैं वहां से, लेकिन वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस कब होगा, जब आप उसे रेगुलर बेसिस पे करो. नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग. नाउ प्रॉफिट अर्निंग कैसे, अब आप बिजनेस जब चलाओगे आप उसमें कुछ कैपिटल दोगे, वो कैपिटल लगाना और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. तो वो भी क्या है, वन फीचर ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क. अब ये सब तो थे अच्छे अच्छे पॉइंट्स कुछ बिजनेस के, बट बिजनेस का एक डीमेरिट भी है कि उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है. अब आपको नहीं पता आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा, तो वही जो चीज है बिजनेस में रिस्क होता है, तो इसलिए इसे बहुत कम अडॉप्ट करते हैं लोग. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. अब आप बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं. कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और पर्सोनल. इट इज नॉट पर्सनल, इट्स पर्सोनल ऑब्जेक्टिव. अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं. इधर है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच इज ऑल्सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है. अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होता है, पहला होता है सर्वाइवल. अब आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आप उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा. तो पहला पॉइंट इज सर्वाइवल. नेक्स्ट इज ग्रोथ. अब जैसे जैसे आप वहां पे सर्वाइव करने लग जाओगे, आप ये देखोगे कि जब आपका कैपिटल जो है, जो आपने लगाया उसके बदले में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जब वो बड़ा होगा तो आप ये सोचोगे हाँ अगर मैं अपने इस बिजनेस को एक्सपांड करूंगा तो जो है मेरे को और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है. तो ग्रोथ इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. अब प्रॉफिट तो हम सबको ही पता है, बिजनेस में है हम लोग, तो प्रॉफिट अर्निंग भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. ये सोशल ऑब्जेक्टिव किसके लिए है, सोसाइटी के लिए. ये सोशल ऑब्जेक्टिव किसके लिए है, सोसाइटी के लिए है. कौन कौन से हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, तभी तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स योर बिजनेस. रीजनेबल प्राइस. अब जो है बहुत ज्यादा डिमांड रहती है लोगों की, कहीं पे इतने ज्यादा हाई रेट्स है तो वहां पे लोग कम जाते हैं, तो एक ऐसा प्राइस सेट करना, ऐसा रीजनेबल प्राइस सेट करना कि लोग हाँ भाई वो भी सहमत हो और आप भी सेटिस्फाई हो विद दैट रीजनेबल प्राइस. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अब ये कैसे अपने सोसाइटी को फायदा दे रहा है, अब आप जॉब जो है प्रोवाइड करोगे अपने आसपास में तो सोसाइटी में जो है लोग एंगेज होंगे आपके, उससे वो आपको ज्वाइन करेंगे, सो दैट इज आल्सो एन सोशल ऑब्जेक्टिव कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेल्थ. अब अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो वो किस में हेल्प करेगा, इकोनॉमिक वेल्थ में हेल्प करेगा. जितना आप लोग प्रॉफिट कमाओगे दैट विल हेल्प टू द इकोनॉमिक वेल्थ. एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अब ये जो है इसमें भी हेल्प करेगा. एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्रेंडली मेथड. अब हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग इको फ्रेंडली चीजें बनाओ, बिकॉज प्लास्टिक जो है दैट विल पल्यूट, वो पल्यूट करेगा. तो अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल टू वर्ड योर बिजनेस. नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब हमने देखा ये पहली बार पर्सनल नहीं है, दिस इज पर्सनल. ये किसके लिए होता है, टू द स्टाफ या टू द वर्कर्स या टू द एम्प्लॉयर्स.
अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पर्सोनल के. पहला है एडिक्वेट सैलरी. एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी देना टू योर एम्प्लॉयर्स और जो भी स्टाफ आपका है, सो दैट दे कैन लिव अ लिवलीहुड, वो भी अच्छे से अपनी लाइफ जी सके, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एडिक्वेट सैलरी देना. नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशन. अब आपके यहाँ पे कोई अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन है ही नहीं, तो वहां कैसे लोग आएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे वहां का स्टाफ टिकेगा आपके साथ, आपको सपोर्ट करेगा. तो यही एक, ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू योर स्टाफ, टू द एम्प्लॉयर्स. नेक्स्ट इज पे रिकॉग्नाइजेशन. अब पीर इज व्हाट, हमने बहुत ज्यादा सुना है अपने आपस में कि ये पीर 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 ना, व्हाट इज पीर, बेसिकली आपके आसपास के जो लोग हैं, जो नोन लोग हैं, तो आपको अपने आसपास के साथ आप लोगों को मिलना चाहिए, मतलब आप लोगों की आपस की बात होनी चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. अब प्रॉफिट मिल रहा है, अब उस प्रॉफिट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में, उस प्रॉफिट का रोल क्या है वो हम यहाँ देखेंगे. पहला इज सर्वाइवल. कैसे, अब जब तक आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा आप कैसे आगे सर्वाइव कर पाओगे. आपने कैपिटल तो लगा ली, बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन अब सर्वाइव भी तो करना है उधर. अब जब आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव कैसे करोगे मार्केट में, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आगे कैसे निकलोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे. तो सर्वाइवल इज अनदर पॉइंट ऑफ रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेस इट्स जस्टिफिकेशन. वही सेम चीज देखी है. नेक्स्ट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ. अब जब आपका प्रॉफिट होगा तभी क्या आपका जो बिजनेस है वो एक्सपांड करेगा, ग्रोथ होगी आपके बिजनेस की. ऑल बिजनेसमैन वांट देयर बिजनेस टू एक्सपांड, वो तो है ही, एंड टू ग्रो. फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड. रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, बेसिकली आप जितना प्रॉफिट कमा रहे हो दैट इज रिटेन अर्निंग फॉर नाउ. आगे के चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज रिटेन अर्निंग, बट फॉर नाउ ये क्या है, आपके प्रॉफिट्स है, इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल. अब आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आप क्या करोगे, यूज करोगे किसमें, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में, जिससे कि लोग ये जो है और पॉपुलर हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे आपको, आप एक स्टेज से निकल के आओगे. नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. अब ये एफिशिएंसी कैसे काम करता है, एफिशिएंसी बिटवीन द वर्कर्स की, प्रॉफिट जो है वो मोटिवेट करता है. ऑब्वियसली बात है, आपके सामने पैसा रखा है वो आपको मोटिवेट तो करेगा ही, तो ये मोटिवेट करता है किनको, ओनर को और वहां के वर्कर को, टू डू देयर बेस्ट, अपना बेस्ट करने में क्या करता है, उन्हें मोटिवेट करता है. एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट दे विल गेट गुड कंपनसेशन ऑफ देयर एफर्ट्स. अब वर्कर्स को भी पता है अगर वो मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा. बिजनेस को मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट, ऑब्वियसली बात है, आप लोग मेहनत करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. वो प्रॉफिट कैसे मदद कर सकता है, अगर ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट क्या करेगा उनकी, उनको कंपनसेशन, एक गुड कंपनसेशन, बोनस, इन सब देने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. अब आप बिजनेस कर रहे हो, रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें, और अगर आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा लेते हो तो दैट इज व्हाट रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. हाँ भाई आपने रिस्क तो लिया है लेकिन इसका क्या मिल रहा है, आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. अब ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है, इस वीडियो में हम जो है इंडस्ट्री का पार्ट अभी कवर करते हैं, कॉमर्स का पार्ट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. अब ये जो इंडस्ट्री है इसके तीन पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये जो तीन पार्ट है ये आप अभी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हो. जो पहला है इधर प्राइमरी सेक्टर, वो है दो चीजों में डिवाइडेड, एक एक्सट्रैक्टिव, एक जेनेटिक. और ये जो सेकेंडरी है ये भी दो में डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये, इसके भी दो सब हेड्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिकल एंड ये कंस्ट्रक्टिव जो है ये, अच्छा कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग चार में डिवाइडेड है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग. तो ये जो है हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं. टर्शरी के कोई पार्ट्स नहीं है, तो टर्शरी जो है बहुत ही अच्छा है, इन दोनों के पार्ट्स हैं, तो वो हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे. तो पहला इज प्राइमरी. पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है. तो व्हाट इज एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी व्हिच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. अब इधर रॉ मटेरियल लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वुड ले रहे हैं, वुड को हम लोग अच्छे से काट के क्या कर रहे हैं, एक फर्नीचर बना रहे हैं. सो दैट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू रियरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स. अब इंडस्ट्री में क्या क्या काम होता है,
प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, और एज वेल एज क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स भी होता है। कैसे होता है हम देखेंगे। अभी इंडस्ट्री के हमने तीन पार्ट देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी क्या है? द प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज, इसको मैं इधर जो है हाईलाइट कर रही हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हैं और उनको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको हम एक यूजफुल प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं और कहां सप्लाई कर रहे हैं, टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री। अब इधर जो है प्राइमरी के दो पार्ट है, पहला इज एक्सट्रैक्टिव एंड द सेकेंड वन इज जेनेटिक। पहला देखेंगे हम लोग एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टिव का मतलब बेसिकली होता क्या है, निकालना। अब एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कोल। अब हमारे यहाँ पे धरती के अंदर बहुत सारा कोल है, हमें भी पता है। अब उसको वहां से निकालना इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले लिया है, कोल, आयरन, गैस। एक्सट्रैक्शन कहां से, आउट ऑफ अर्थ, वॉटर और एयर। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक का मतलब हम लोग देख लेते हैं। अब इस जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्मिंग। अब इधर जो है रियरिंग ऑफ एनिमल्स होता है, या रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स होता है, या फिर प्लांट्स का जो है वो रिप्रोडक्शन इधर होता है, इन द जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब व्हाट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, हमने प्राइमरी में देखा था कि वहां पे एक्सट्रैक्शन का काम होता है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। यहाँ पे प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग कौन सी कह रहे हैं, वो जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में बनाई है, वो उन्हें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रीवियसली यूज, प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स कह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कॉटन प्लांट्स होते हैं। अब हमने कॉटन प्लांट्स को निकाला, कॉटन प्लांट्स को निकाला, दैट इज एक्सट्रैक्शन। वो किसमें आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब हम उस कॉटन को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉटन क्लोथ्स में, वो किसमें आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉटन बनाना, कॉटन एक्सट्रैक्ट करना और उस एक्सट्रैक्टेड कॉटन से कपड़े बनाना कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। इधर है नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो है एक सब हेड इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें क्या है, दीज इंडस्ट्रीज आर कन्वर्टेड रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट कौन से, जो प्रोड्यूस तो किए हैं लेकिन वो फिनिश्ड अभी नहीं हुए हैं, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक पेपर फ्रॉम बैम्बू। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमने क्या करा है, बैम्बू से पेपर को कन्वर्ट करा है। अब बैम्बू जो है वो किसमें आ जाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री में, और उसको कन्वर्ट करना है इनटू पेपर किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो किसमें होता है, इनटू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के जो है और भी पार्ट्स हैं, एनालिटिक, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक, असेंबली। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला इज डिफरेंट थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। अब जो है एक मटेरियल से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आउट ऑफ क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल में जो है ये सब चीजें मिक्स होती हैं, राइट। अब क्रूड ऑयल से क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी एक चीज से, एक मटेरियल से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज बना रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग इधर, मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एनालिटिकल। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम इधर क्या करेंगे, हमने जो एक मटेरियल लिया है अपना फ्रॉम इट कैन बी वेदर फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब आगे भेजेंगे किसके लिए, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। जैसे कि आयरन ओर, ठीक है, स्टील से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील बना रहे फ्रॉम आयरन ओर, या शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये किसका एग्जांपल है। अब हमारे यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज किसका किसका एक एग्जांपल है, तो आप क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में किसका, प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट इज सिंथेटिक। मेनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल्स लेंगे और उसको मिला के एक हम लोग जो है फिनिश्ड, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंथेटिक। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। Now in assembling, wherein the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product, example computers. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे already produced goods हैं,
उनसे मिलाकर भी हम लोग क्या करेंगे, एक नया जो है एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जैसे कंप्यूटर, अब कंप्यूटर कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के कुछ कुछ पार्ट जो है वो ऑलरेडी बन रखे हैं, अब उन पार्ट्स को हम लोग एक साथ लाके एक कंप्यूटर बना रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ असेंबलिंग, उसको असेंबल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अब जो है हमने यहाँ पे देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाउ इन दिस इंडस्ट्री दे आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड एज वेल एज टनल एंड कैनाल्स। अब इसमें क्या होता है, हमारे काफी सारे जो रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, डैम्स हो गए, वो सब किसका पार्ट है, हमारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, दैट इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट एंड लास्ट इज टर्शरी इंडस्ट्री। अब ये टर्शरी इंडस्ट्री जो है इसका कोई सबहेड नहीं है, ये अच्छा है। अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या हो गया, हमने इससे पहले पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने क्या देखा, प्राइमरी में जो हमने चीजें ली उनसे हम लोग फर्दर प्रोडक्शन करते हैं इनटू द सेमी फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड गुड। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है कि दिस इंक्लूड्स दो सर्विसेज व्हिच हेल्प बिजनेस टू मूव स्मूथली। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो हमारे ऑलरेडी प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, स्मूथ रन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस स्मूथली रन करे, उसमें हम क्या चीज यूज करते हैं, द टर्शरी इंडस्ट्री विच इज ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी का अब गुड्स बना रहे हो, उस गुड्स को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह बेचना है तो उसमें आप किसकी हेल्प लोगे, ट्रांसपोर्टेशन की, बैंक। अब आपको जो है कभी कभार आपके पास पैसा नहीं होता है कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको, तो उस बिजनेस में जब आपको कभी कहीं से बाहर से पैसों की जरूरत पड़ती है तो कौन हेल्प करता है, बैंक, जिनसे आप लोन्स ले सकते हो। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब हमने पढ़ा है कि बिजनेस जो है बहुत ही एक रिस्क का काम है, तो आपको पता नहीं है कि आपकी स्टॉक कब जल जाए, कब कहीं लॉस हो जाए, कोई थेफ्ट, बाय थेफ्ट आपका जो है कुछ कहीं चोरी हो जाए, तो उनसे बचने के लिए भी आप लोग क्या करवाते हो, इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब आपने गुड्स को प्रोड्यूस करा है, उसकी स्टोरेज में भी जो है वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं जो आपके किसमें काम करते हैं, स्टोरेज में काम करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडवर्टीजिंग। आपने कोई गुड बनाया है उसको बेचना, कमर्शलाइज करना, वो किसके हेल्प से करते हो आप, एडवर्टीजिंग। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आगे का पार्ट कॉमर्स का हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।